गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। बच्चों आज का टॉपिक है आपका रिलेटिव मोशन या रेफरेंस फ्रेम, यानी आपका मोशन जो हो रहा है आप उसे किसी रिलेटिव मोशन आप किसी दूसरे रेफरेंस से अगर आप उसे देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्या टाइम डिपेंड करता है फ्रेम पे, क्या आपका डिस्टेंस डिपेंड करता है फ्रेम पे, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिपेंड करती है फ्रेम पे, क्या सिचुएशन होती है, हम पढ़ क्यों रहे हैं रिलेटिव मोशन, हम पढ़ क्यों रहे हैं रेफरेंस फ्रेम, हम ये सारी चीजें आज के लेक्चर में जानेंगे और रिलेटेड टू दैट हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं हम रिलेटिव मोशन या रेफरेंस फ्रेम क्यों पढ़ते हैं, बच्चों इसकी हेल्प से हमारी न्यूमेरिकल्स, हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं काफी हद तक आसान हो जाती हैं, उनको डील करना हम इजीली उनको डील कर पाते हैं, उनसे टैकल कर पाते हैं। कैसे अभी आप देखेंगे पूरे लेक्चर में, बात समझ में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिलेटिव मोशन से आप समझते क्या है, आइए एग्जांपल से देखिए। बोर्ड पे पेन वगैरह छोड़ दीजिए आप। बच्चों सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों से, दो ट्रक चल रहे हैं, आइए देखिए यहां पे ये है एक ट्रक है, ये ट्रक है एक, इस ट्रक की स्पीड है आगे को 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है, बात समझ में आ रही है बच्चों। इस ट्रक का नाम दे देते हैं ए। यहां पे दूसरा ट्रक है, दिस इज द सेकेंड ट्रक, इसकी स्पीड है आपकी बच्चों 40 किलोमीटर पर आर। इस ट्रक का नाम है लेट अस सपोज बच्चों बी। अब सुनिए बच्चों, आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ ट्रक ए बता दो, आप कहेंगे 50 किलोमीटर पर आर। आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ ट्रक बी बता दो, आप बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आर। अब आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ ट्रक ए बता दो विथ रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ट्रक ए बता दो विथ रिस्पेक्ट टू बी, बात समझ में आ रही है, ये पूछा जा रहा है। क्या है मतलब समझिए, जब वी ए बी लिखते हैं इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ट्रक ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी में अगर आप बैठे हो तो आपको ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आप इसके ऊपर बैठे हो तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको, इसकी 10 किलोमीटर पर आर दिखाई देगी, क्यों काफी बच्चों को समझ ही नहीं आया 50 माइनस 40। सुनिए सिचुएशन देखिए, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अगर ये भी 50 किलोमीटर पर आर होता, अब देखिए एक ही रोड है, ये पूरा ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक है, रोड है, इस रोड में ए ट्रक बगल में जा रहा है, उसके बगल में बी जा रहा है। अब इसकी छत में आप बैठे हो तो आप, आपकी दोनों की स्पीड बराबर है, आप यहां छत में बैठे हो, इसमें आपका दोस्त बैठा है ए, इसमें आप बैठे हो, तो आपको ए की स्पीड क्या दिखाई देगी, जीरो। क्यों आप कहोगे अरे ये तो मेरे सामने ही है, हमेशा मेरा फ्रेंड ए मेरे सामने ही है, यहां से देखोगे ना इधर को मेरे सामने ही है, ट्रक आगे बढ़ रहे हैं दोनों, आपको लगेगा वो मेरे सामने ही सामने है, यानी हमारी स्पीड जीरो है, यानी हमारी मतलब ट्रक की स्पीड जीरो है, बात समझ में आ रही है। तो आप आंसर बोलोगे वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो, बात समझ में आ रही है, समझ में आया या नहीं। सिमिलरली तो आपने असल में करा क्या, आपने असल में ये कैसे निकाला, आपने असल में ऐसे निकाला, वेलोसिटी तो कैसे निकालते हैं, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे माइनस कर देते हैं, चेक कीजिए आंसर सही आ रहा है नहीं, 50 माइनस 50 देखिए जीरो सही आ रहा है, समझ में आया। सिमिलरली अब देखिए पुराने क्वेश्चन पे चले जाते हैं, अगर ये 40 किलोमीटर पर आर होता, अब बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब आप इसके ऊपर बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा, मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूं वो 50 की, यानी आपके रिस्पेक्ट में वो 10 से आगे जा रहा है, 40 तो आप भी आगे बढ़ जा रहे हो ना, और वो 50 आगे बढ़ रहा है, यानी आपसे थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है, थोड़ा ही तो आगे बढ़ रहा है, कितना थोड़ा, 50 माइनस 40, यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो क्या होता है उसे माइनस कर देते हैं, तो क्या आया आपका 50 माइनस 40, यानी 10 किलोमीटर पर आर। तो बच्चों ये रिलेशन कैसे आया आप फील कर पाए होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। आप अगर दोनों की स्पीड बराबर है आपको लगता है दोनों रुके हुए हैं जबकि रुके नहीं है, आपने देखा होगा कैसे, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम बात बताएं, आपने ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है,
अब सिंपल सी बात देखिए, बस देख लीजिए या ट्रेन देख लीजिए, आप बस में बैठे हुए हो, आप बस आपकी तरफ इधर को चल रही है, बस 50 किलोमीटर पर आ, एक पैसेंजर बस में इधर बैठा है, एक इधर बैठा है उसी बस में, दोनों की स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है, किसकी, दोनों पर्सन की जो सेम बस में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड बस की होगी उतनी स्पीड उसमें जितने पैसेंजर बैठे हैं, क्योंकि उसी में तो बैठे हैं ना, बस आगे निकली तो आप नीचे तो नहीं गिर गए ना, आप भी तो उसी के साथ चल रहे हो, यानी जितनी बस की स्पीड यानी आपकी भी उतनी स्पीड और आपके बगल वाले पैसेंजर की भी उतनी स्पीड, रिलेटिव में दोनों की स्पीड रियल में पूछा जाए तो 50 किलोमीटर पर आर इसकी 50 इसकी, लेकिन अगर रिलेटिव पूछा जाए तो आप कहेंगे मेरे को तो ये मेरे बगल में ही दिख रहा है, हमेशा इधर ही दिख रहा है ये मेरे को, वो बोलेगा मुझे हमेशा ही मेरे बगल में ही दिख रहा है, दैट मीन्स रिलेटिवली बगल में ही दिख रहा है, यानी रिलेटिव आपके रिलेटिव उसकी स्पीड आपको क्या दिखेगी, जीरो आपके रिलेटिव में, लेकिन ग्राउंड के रिलेटिव में, ग्राउंड के रिलेटिव में या रियल में उसकी स्पीड जीरो नहीं है, दोनों की स्पीड 50-50 इंडिविजुअल है। समझ में आया, क्लियर है? तो ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 जगह यूज होगा, कैसे आता है मैंने समझा दिया, लिखने का तरीका क्या होता है, वी ए बी क्या होता है, वी ए जिसके रिस्पेक्ट में माइनस वी बी, अगर वी बी ए पूछता तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, लिखना आ गया पक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दे रहा हूं बच्चों। बच्चों अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जरा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग किसको, इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, डीवी बाई डीटी, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दोनों वैक्टर क्वांटिटी है, ये भी वैक्टर दोनों पॉसिबल हैं, बिल्कुल सही, ये दोनों रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये याद रहता है ये भूल जाते हैं, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये दोनों रिलेशन समझ में आए होंगे। तो बच्चों होता क्या है समझिए, आप करते क्या है, कभी आपको अगर एनालिसिस करनी है रिलेटिवली, रिलेटिवली एनालिसिस करने से चीजें आपकी आसान हो जाती हैं, देखेंगे अभी तो सिर्फ सिखा रहा हूं रिलेटिव कैसे आप डील करते हैं, आसान कैसे होती है थोड़ा देर में देखेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं घूम फिर के बताऊं, यहां पे आपने करा क्या, आपने क्या करा, आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो, यानी बी के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, यानी मैं रुका हुआ हूं, यानी अपने आप को रोक लो, तरीका क्या होता है, अपने आप में रोक लो और अपनी स्पीड सामने वाले को दे दो और आपका आंसर सही आ जाएगा। आइए चेक करते हैं, पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी स्पीड बताओ इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको रोक लो, जिसको रोका है उसकी स्पीड उसको ठीक उल्टे डायरेक्शन में, यानी ये 40 यहां उल्टे डायरेक्शन में दे दो, यानी ये 40 अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में दे दूं तो 40 अब कितना आया, तो नेट स्पीड 40 ए की कितनी आ गई, 50 माइनस 40 10, अपोजिट डायरेक्शन है ना इसलिए माइनस किया, समझ में आया? तो तरीका क्या है डील करने का, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, या डायरेक्टली जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लो उसको रोक दो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लो उसको रोक दो, उसकी स्पीड जिसकी निकालना चाह रहे हो उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो और सॉल्व कर दो, तो 50 माइनस 40 10, कोई भी एग्जाम्पल करो हर जगह वैलिड होगा, बात समझ में आ रही है पक्का? अभी ये सारी चीजें यूज होंगी इसीलिए अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है पक्का? चलिए एक और एग्जाम्पल आपको कराया जाए, पक्का श्योर? चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए, एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको बच्चों, एक बात बताइए, बात छोड़िए, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, कोई भी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं इसको क्या है अभी मैं रुका हूं, यानी मेरी स्पीड जीरो है, तो मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी, लेट अस सपोज ये रेड मार्कर है, इसकी स्पीड भी जीरो, क्योंकि मैं रुका हूं, मेरी स्पीड जीरो है तो मेरे हाथ में जो मार्कर है उसकी स्पीड भी जीरो है। अब मैं देखिए दौड़ रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो अपने को स्पीड दे रहा हूं तो डेफिनेटली मार्कर को भी स्पीड मिल गई है, यानी मैं जैसे दौड़ने लगा तो मार्कर को मैंने स्पीड दी नंबर वन। दूसरा, जब मैं यहां से दौड़ रहा हूं मैं खुद एक्सेलरेट हुआ तो डेफिनेटली मैंने इसको एक्सेलरेशन भी दिया। बात समझ में आ रही है। अब यहां से शुरू से सुनिए, मैं यहां पे जीरो स्पीड, मेरी इनिशियल स्पीड जीरो थी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन अभी तो कुछ नहीं है। अब क्योंकि मैं अपनी बॉडी से एक्सेलरेशन दे सकता हूं ना,
एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक सेकंड में मैं उसकी वेलोसिटी कितना बढ़ा दूं, अभी जीरो में था, एक सेकंड में लो मैंने ताकत दिखाई इतनी बढ़ा दी, लो और बढ़ा दी, यही तो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, कोई फोर्स लगा रहा हो, फोर्स कौन लगा रहा है, मैं ही लगा रहा हूं बच्चों, कोई सिस्टम, यहां पे सिस्टम मैं हो सकता हूं, कोई मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब दोबारा सुनिए ध्यान से, ये कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मेरी स्पीड जीरो, तो इसकी स्पीड जीरो, मार्कर की स्पीड जीरो है। अब मैं क्या हुआ, मैं दौड़ने लगा, मैंने खुद को एक्सेलरेट किया, मतलब मैंने इसे एक्सेलरेशन भी दे दिया और इसको स्पीड भी इंपार्ट कर दी। बस इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा जो समझाना चाह रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ये मार्कर को मैंने स्पीड यहां तक प्रदान करी, जीरो से वी स्पीड हो गई इसकी, ठीक है, और एक्सेलरेशन मैं कंटिन्यूअसली देता जा रहा हूं, ताकत बढ़ाते जा रहा हूं ताकि और आगे तक गिरे, ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल देखा है, एक गेंद फेंकते हो आप ऐसे करके, क्या कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम स्पीड वो कवर कर पाए और मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच पाए। तो यहां पे सुनिए, जीरो स्पीड थी, मैं यहां तक लाया दौड़ते हुए, यहां तक लाया, अब इसको मैंने वेलोसिटी भी इंपार्ट कर दी प्लस एक्सेलरेशन। अब यहां पे से मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, सुनिए, अब मैं यहां पे से इसको लाया 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 छोड़ दिया। अब यहां से यहां तक जो मैंने छोड़ा बच्चों, यहां से यहां तक जो मैंने इसको छोड़ा, यहां पे केवल और केवल आपने वेलोसिटी इंपार्ट करी है, एक्सेलरेशन नहीं। ध्यान दिया मेरे शब्दों पे, आपने केवल वेलोसिटी इंपार्ट करी, एक्सेलरेशन नहीं। द रीजन बीइंग, एक्सेलरेशन इंपार्ट आप कर ही नहीं सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, कंटिन्यूअस फोर्स आपका क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अब जैसे ही मैंने अपनी बॉडी से इसका कनेक्शन हटा दिया, अपनी बॉडी से कनेक्शन हटा दिया, मैंने फेंक दिया, मेरी बॉडी से कनेक्शन खत्म, अब इसको मैं कैसे एक्सेलरेट करूं, ये तो हवा में है, बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में इसको चेंज ही नहीं कर सकता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया, बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन कोई बॉडी आपका कोई सिस्टम बढ़ा सकता है घटा सकता है, वो सिस्टम यहाँ पे मैं था, वो सिस्टम आपकी कोई मशीन हो सकती है, मशीन से फोर्स लगाते हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही सिखाना था, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को हाथ से छोड़ते हैं तो आप केवल वेलोसिटी इंपार्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं। सिर्फ ये लाइन सिखानी थी, और बहुत बड़ी लाइन है, आपकी पूरी काइनेमेटिक्स में कहीं कहीं पे भी कहीं भी यूज हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो गलत करके आओगे, लिखवा दू, लिखवा देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल आप समझना चाह रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल या पहले लिख लीजिए, नोट, नोट क्या, ओनली ओनली वेलोसिटी इज ट्रांसफर्ड, only velocity is transferred to object and not acceleration because acceleration is provided by force of my hand which is now disconnected। क्या बच्चों आपको यह लाइन समझ में आई, क्या है, only speed is transferred to object and not acceleration because acceleration is provided by force of my hand which is now disconnected। reason bracket में लिखना चाहें तो bracket में लिख लीजिए। समझ में आया, एक और example simple सा, सब लोग cricket देखते हो आप लोग, batsman and bowling, क्या है, this is your, कहां पे दिखाएं, चलिए यहां से आप करा रहे हैं, यहां पे है बैट्समैन, यहां पे है बैट्समैन और यहां से आप करा रहे हैं बॉलिंग, तो आपका क्या, बॉलर यहां से दौड़ता हुआ आया, वेलोसिटी जीरो थी बॉल की क्योंकि बॉलर रुका हुआ था, बॉलर भागता हुआ आया यानी उसने एक्सेलरेट किया अपने आप को, यानी बॉल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, तो बाय फाइनली यहां पे आके क्या करता है, वो बॉल को छोड़ देता है, तो यहां पे इसने बॉल को वी वेलोसिटी ट्रांसफर करी, ए एक्सेलरेशन जितना देना था केवल यहां तक इसने ए एक्सेलरेशन दे पाया, यहां एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इस एक्सेलरेशन की हेल्प से इसने वेलोसिटी जितनी बढ़ानी थी
कैपिटल वी बढ़ा दी, जीरो से कैपिटल वी बढ़ा दी। अब केवल ये कैपिटल वी रास्ते में ये जो बॉल जा रही है ऐसे करके, ये केवल वी लेके जाएगी, इसके पास अब एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि बॉलर का हाथ बॉल से हट चुका है, डिस्कनेक्शन हो चुका है, तो केवल वी वेलोसिटी इंपार्ट करी एंड दैट्स ऑल। यही सिखाना था आपको, समझ में आया? चलिए इसको रब कर देता हूं क्योंकि ये समझ में आ चुका होगा, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। बच्चों अभी आपको एक रिलेशन बताया था क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, कैसे लिखते हो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, आपको फील भी करवाया था कैसे आया था। अब बच्चों इस पॉइंट पे एक और नीचे से एक लाइन ऐड कर लीजिएगा कि जो ये वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम फ्रेम से होने चाहिए। अलग फ्रेम से तो आपको पता है फ्रेम चेंज करते ही वेलोसिटी आपको अलग दिखने लग जाती है, स्पीड आपको अलग दिखने लग जाती है। तो यहां पे लिख रहा हूं शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम। इस चीज को जस्टिफाई आइए करते हैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके। एग्जाम्पल 30। आइए देखिए बच्चों सिचुएशन बनाते हैं। फाइंड क्या, नंबर वन नंबर टू यहां पे लिखते जाऊंगा क्या। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपकी ट्रेन की बोगी है, ये आपकी ट्रेन की बोगी है, यहां पे ट्रेन की बोगी है, यहां पे इस सीट पे एक कौन बैठा हुआ है, बैठा है कि बैठी है, यहां पे एक सुंदर कन्या यहां पे ट्रेन पे बैठी हुई है, एसके क्या है, सुंदर कन्या। यहां पे देखिए सुनिए, यहां पे एक लड़का भागता हुआ आ रहा है इस डायरेक्शन में, कौन है ये, एक लड़का बॉय, कितनी स्पीड से आ रहा है, 15 किलोमीटर पर आर, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मीटर पर सेकंड में करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15 मीटर पर सेकंड से ये भाग रहा है, एक सेकंड में 15 मीटर कवर कर रहा है ये लड़का इस गर्ल को पकड़ने के लिए। यहां पे एंड ये जो ट्रेन चल रही है आपकी, मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड, यानी बहुत हल्की हल्की रुकी रुकने वाली ट्रेन ये समझ लीजिए, या हल्के चल रही है, ठीक है। यहां पे आपके ये कौन है, आपके स्माइलिंग फेस, ये आपके डीबी सर, कौन है आपके डीबी सर, डीबी सर भी कहां जा रहे हैं, ये लड़का लड़की को पकड़ रहा है और ये डीबी सर लड़के को पकड़ रहा है, इसको चैटा पड़ने वाला है क्योंकि ये लड़की के पीछे भाग रहा है, कितनी स्पीड से आ रहे हैं डीबी सर आपके, ये लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड, सारी की सारी इमेजिनरी कंडीशन। आपसे बोला जा रहा है क्या, फाइंड वेलोसिटी, इसको मैं डी मान लू, डीबी सर को डी, बॉय को बी, सुंदर कन्या को एस, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू डीबी सर, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू डीबी सर, सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू डी, एंड क्या पूछा जा रहा है, बॉय विद रिस्पेक्ट टू डी, ये दो चीज पूछी जा रही है। देखिए बच्चों एक एक करके सॉल्व करते हैं। नंबर वन, वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगा, वी एस माइनस वी डी, सुंदर कन्या रुकी हुई है यानी जीरो, डी मतलब डीबी सर 5 मीटर पर सेकेंड यानी -5 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव कुछ नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सुंदर कन्या की तरफ डीबी सर आ रहे हैं, 5 मीटर से डिस्टेंस कम हो रही है उनके बीच की, बात समझ में आ रही है, नेगेटिव साइन सिर्फ इतना दिखा रहा है और कुछ नहीं। अब एक बात बताइए सुंदर कन्या, क्या ये मेरा आंसर सही है या गलत है, क्या सुंदर कन्या को मैं 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई दूंगा, अरे ऐसा तब दिखाई देता जब ये ट्रेन रुकी होती, जब ये रुकी होती आपको लगता कि ये 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, ट्रेन खुद 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है,
ट्रेन अगर 10 मीटर से आगे चल रही तो इनकी स्पीड भी, तो इस सुंदर कन्या की स्पीड भी तो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, तो इनको ये पांच नहीं दिखाई देगा माय डियर फ्रेंड। बात समझ में आ रही है? यानी इतना तो आपको समझ में आ गया ये गलत है। गलत क्यों है? फील हो चुका होगा। गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि आपने सुंदर कन्या की स्पीड कैसे ली, क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन नहीं, डेटा साफ साफ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये जो 2 मीटर पर सेकंड दिया है ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड दी हुई है, कंफ्यूज ना हो इसलिए साफ साफ लिख दिया। तो आपने सुंदर कन्या की स्पीड 0 ली, बहुत अच्छी बात है। डीबी सर की स्पीड ये तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ली, और डीबी सर की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में ली? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो 5 मीटर से भाग रहे हैं, तो एक फ्रेम अलग क्या लिखवाया था? शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम, फ्रेम सेम होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर गलत आया है। दोबारा लिखवा दूं या अंडरस्टूड है? सेम फ्रेम should be from same frame। बात समझ में आ रही है? Excuse। चलिए अगला देखिए। अब अगला कहां, अभी तो ये आपका गलत आ गया, तो आपको तो आंसर सही निकालना है पहले, यानी दोनों को, ये दोनों वैल्यू को सेम फ्रेम से लीजिए तब आंसर सही आएगा। आइए इसका आंसर यहीं पे देंगे। पहले एक चीज देखिए, एक बात बताइए, मैं ये लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन को ये लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉय की स्पीड मुझे पता करनी है। ये वीबी क्या आ रहा है? पीछे से कुछ नहीं लिखा है, मतलब रुका हुआ, मतलब ग्राउंड बोल सकते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 मीटर किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन की स्पीड, ऑफ कोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड आपका रुका हुआ मान रहे हो आप, रियल में धरती भी चलती है, घूमती है, पता होगा, लेकिन ग्राउंड को आप रुका हुआ मान रहे हो, इसलिए ग्राउंड की स्पीड 0, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड जा रही है। अगर आप इस धरती को भी अगर 2 मीटर पर सेकंड अगर मान लिया है तो फिर समझ रहे हो ये गलत। क्या बोल रहा हूं, ये जो स्पीड दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या हो गया, ये हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या आ गया आपका, आ गया 10 दो 12 मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है। ऐसे ही क्या मैं दूसरा रिलेशन लगा सकता हूं क्या? सुंदर कन्या के लिए एक रिलेशन मैंने ये लगाया, दूसरा रिलेशन वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 0। ट्रेन के रिस्पेक्ट में मुझे तो ये सुंदर कन्या, थोड़ा देर आप सुंदर कन्या बन जाओ, आप क्या है रुके हुए हो ट्रेन में, क्या ग्राउंड से जो देख रहा होगा वो आपको रुका मानेगा? वो कहेगा आप तो भाग गए हो। वो क्या मानेगा? आप तो भाग गए हो आगे कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 थी आपकी, लेकिन सुंदर कन्या की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे नहीं पता, ट्रेन की है 10, यानी सुंदर कन्या की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये फॉर्मूला मैं अभी आपके लिए लगा रहा हूं वरना आपको फील आना चाहिए। सुंदर कन्या की स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0, असल में ट्रेन आगे 10 मीटर से गई तो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, भले वो पैसेंजर हो कोई भी हो, उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? सेम 10। अगर मेरी स्पीड, अगर मैं बॉलर हूं, बॉलिंग करा रहा हूं, बैटिंग बॉलिंग क्रिकेट, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं, तो मैंने मेरे हाथ में जो बॉल है वो भी ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। सेम चीज यहाँ पे, तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 है, क्योंकि ट्रेन 10 मीटर से भाग रही तो सुंदर कन्या की स्पीड भी 10 हो गई। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो क्लास बिगिन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा फॉर्मूल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पे देखिए, बॉय की स्पीड भी देखिए, आप ये डायरेक्ट लिख सकते थे, कैसे देखिए, अभी तो फॉर्मूले से लिखा, अब कैसे डायरेक्ट लिखते हैं। बॉय ट्रेन के रिस्पेक्ट में 2 मीटर से जा रहा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 2 मीटर से जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर से ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप क्या थे? गर्ल 0 स्पीड थी। अभी ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही ये 2 आगे निकल जा रहा है, प्लस ट्रेन पूरी आगे निकल रही है, तो 10 दो 12 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं कर पा रहे तो फॉर्मूले की हेल्प लीजिए। चलिए
अब मुझे क्या निकालना था, ये निकालना था। अब देखिए रियल आंसर क्या आएगा, इसका रियल आंसर जो आएगा ये तो गलत वाला है क्योंकि फ्रेम अलग अलग ले लिए। तो वेलोसिटी ऑफ सुंदर विथ रिस्पेक्ट टू डी वी एस माइनस वी डी, वी एस आंसर ये है 10 मीटर पर सेकेंड, वी डी ग्राउंड। अब देखिए दोनों ग्राउंड हो गए, वी एस ग्राउंड हो गया, वी डी ग्राउंड से पता था यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब सही आ रहा है आंसर आपका। दूसरा क्या है पार्ट, दूसरा पार्ट है वी बी माइनस सॉरी वी बी डी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी क्या आ गया आपका, बी की बॉय की 12, डी बी सर की 5, कितना 7 मीटर पर सेकेंड से पीछे दौड़ रहे भैया, रिलेटिव स्पीड मतलब। दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस एग्जांपल में यही सिखाना चाह रहा था आपको, क्या शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम, अलग अलग फ्रेम से लोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। क्लियर है, शो नोट कीजिए। देखिए बच्चों क्या है टॉपिक, फैक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, फ्रेम मतलब कोई रेफरेंस फ्रेम, मींस कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो आपसे सेलेक्ट करो कह रहा है। पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो आपके मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ और पक्का आएगा, फील करना चाहेंगे तो अभी एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, आपकी जो गैप है उनके बीच में अगर वो ग्राउंड फ्रेम से रहें, अगर मूविंग फ्रेम से रहें, अगर दुनिया के कोई से ही फ्रेम से रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी देखेंगे बात समझ में आ रही है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक तो इसमें। डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्टेंस वैसे डिस्प्लेसमेंट फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी अभी देखा था हमने, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आर है तो मूविंग के में कुछ और वेलोसिटी हमें प्रतीत होती है। पहला एग्जांपल दो ट्रक चल रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आर थी ट्रक की स्पीड, और दूसरे ट्रक के रिस्पेक्ट में यानी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्पीड वेलोसिटी कुछ और थी। तो स्पीड वेलोसिटी यानी दोनों डिपेंड करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर तो चेंज वाला ही आएगा, यानी ये भी डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे बच्चों जब वेलोसिटी ही चेंज हो रही है तो ये पूरा फैक्टर तो चेंज होगा ही होगा, तो यानी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है आपके क्या फ्रेम के रिस्पेक्ट में। टाइम समय बिल्कुल नहीं, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी फ्रेम चेंज अगर कर लो, लेट अस सपोज रुका हुआ फ्रेम था एक, अब आप मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करो तो वही टाइम रहेगा, टाइम बदल नहीं जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल वही रहेगी, बाकी सब के आंसर ऊपर नीचे आने लगेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये जो दो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं करा रहा हूं बच्चों, सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो मुझे बताने थे, इन दो की हेल्प से हम बहुत सारा एडवांटेज लेने वाले हैं, इन दो पॉइंट की हेल्प से ही हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इजिली एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यही मेरा बताने का मेन एम था इस टॉपिक से। एक थ्योरेटिकल आंसर टिक करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इतना रब कर दूं। चलिए आइए देखिए, फील कराता हूं इसी चीज को। देखिए बच्चों चलिए, आ आ आ आपसे बोला गया है क्या, आपसे बोला गया है, सिचुएशन देता हूं आपको, एक एग्जांपल 31 कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल 31 क्या है, सिचुएशन यह है कि चोर भाग रहा है, ये रहा आपका चोर, ये रहा आपका चोर, किसमें बैठा है, किसमें बैठा है,
ठेले में, ठेले जानते हैं, ठेले नहीं जानते हो, केला सेब संतरे जिसमें रख के आपकी रोडों में बेचा करते हैं वो व्हीकल को ठेला बोलते हैं। इस ठेले में बैठ के, मॉडर्न ठेला है, मोटर वाला है, ऐसा वैसा मत समझना, बटन दबाते ही भाग जाता है। इस ठेले में लेट अस सपोज चोर भाग रहा है, मान लेते हैं कितना, चलिए मान लो यार 10 मीटर पर सेकंड से ही मान लो, एंड 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 यहां पे पुलिस इसके पीछे पड़ गई। कौन सी पुलिस? मॉडर्न पुलिस। किसमें आएगी? मॉडर्न पुलिस पक्का ठेले में बैठ के आएगी। लो भैया पुलिस को भी ठेले में बैठा दिया। कितने से आ रही है? पकड़ना है इसको तो ज्यादा स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड, डबल स्पीड। इन दो के बीच में अभी जो दूरी है मान लेते हैं 200 मीटर का गैप है अभी। इसमें कौन बैठा हुआ है? पुलिस। इसमें कौन बैठी हुई है? पुलिस हंसते हुए। इसमें कौन बैठा हुआ है? चोर। इसमें कौन बैठा हुआ है? चोर, थीफ, भाग रहा है। क्या है क्वेश्चन? इसने इसको पकड़ना है, डेफिनेटली पुलिस चोर को पकड़ेगी। सिचुएशन कुछ ऐसी है, 200 मीटर का गैप है, पुलिस इस स्पीड से जा रही है ठेले में, एंड आपकी क्या, चोर ठेले में इस स्पीड से जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे फाइंड, कितनी देर बाद पुलिस पकड़ लेगी चोर को। फाइंड टाइम एंड पोजीशन, फाइंड उधर लिखूं क्या, चलिए यहीं पे फाइंड टाइम एंड पोजीशन व्हेन क्या, पुलिस, पुलिस की पुलिस, व्हेन कैचेस थीव, चोर को जिस समय पकड़ेगी, कितनी देर में पकड़ेगी, टाइम पूछ रहा है, और पोजीशन, पोजीशन पक्का आपको पता है भैया, 10 मीटर से आगे भाग रहा है तो पक्का 200 मीटर यहां पे है, पक्का यहां कहीं पकड़ सकती है, क्योंकि ये तो इतना ये भी आगे आएगा, पुलिस पीछे पड़ी है तो यहां कहीं पकड़ सकती है, बीच में पकड़ेगी, ऐसा आंसर मत देना, बात समझ में आ रही है। आइए रिलेटिव कॉन्सेप्ट से करें जो आज हमने पढ़ा है, या वही आपका वही पुराना घिसा पीटा जो लेंदी हो जाएगा। आइए पहले रिलेटिव सीखते हैं। बच्चों एक बात बताइए, अभी सिखाया था जिसके रिस्पेक्ट में आप एनालिसिस करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालना चाहेंगे उसको रोक दो और दूसरे को अपनी स्पीड ट्रांसफर कर दो, यही सीखा था आज के लेक्चर में। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे देखिए, एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, चोर लिख दूं, विथ रिस्पेक्ट टू चोर, चोर मतलब थीव, ठीक है। चलिए अब जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं यानी उसको रुका हुआ मान लीजिए, अगर इसको रुका मान रहे हैं तो ये अपनी स्पीड इसको ठीक उल्टी ट्रांसफर कर देगा। तो आइए उल्टी ट्रांसफर करेगा तो मतलब इसको 10 इधर दे देगा, अगर ये 10 इधर है तो इसको उल्टे डायरेक्शन में 10, 20 - 10 पुलिस की आगे को 10। तो अब इसे यहां पे नया फिगर बना रहा हूं, देखिए नया फिगर कहता है क्या, नया फिगर कहता है ये है पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से आगे, 20 - 10 10, समझ में आएगा यार लिख दूं क्या, चलो यार क्या करवा रहे हो आप, 20 - 10 = 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है पुलिस, और ये चोर, चोर आपका टेंटेड एंड रुक गया, ये रुका हुआ दिखा रहा हूं रुक गया, जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हो उसे रोक दो और अपनी स्पीड उसको उल्टे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दो, ये सीखा था। यानी इसकी स्पीड 0 यानी ये 10, बीच में गैप कितना है, डेफिनेटली 200 का गैप है, बीच में गैप कितना है, डेफिनेटली 200 मीटर का गैप है। टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या होता है, टाइम पूछ रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, स्पीड कितनी है 10, ये तो रुका हुआ है ना, रुके हुए के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 10, तो क्या हो गया टाइम, आंसर आ गया मेरा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मेरा आंसर आ गया 10 से 10, 20 सेकेंड बाद, एक्सक्यूज, टाइम आपका 20 सेकेंड आ गया, पहला आंसर आपका आ चुका है टाइम। दूसरा पोजीशन व्हेन पुलिस कैचेस थीव, यानी ग्राउंड के रेफरेंस में पूछना चाह रहा है कितने आगे चल के पकड़ा होगा, यानी या तो थीव से कितना आगे पकड़ा है बता दो, या यहां से कितना आगे पकड़ा, यानी यहां कहीं पकड़ा है ना, तो वही जानना चाह रहा है, तो निकाल दो ना, टाइम सेम रहता है
इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, हमने फ्रेम चेंज कर दिया, रोक दिया, समझ लो। एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, जिसको हमने रोक दिया, यानी इस रोके हुए फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम ये आया, और टाइम रोके हुए फ्रेम या चलते हुए फ्रेम, टाइम तो इंडिपेंडेंट अभी हमने सीखा था, तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो आपको पता है टाइम यहां वाले केस में भी सेम है, तो टाइम क्या हो, डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल कर दी होगी 20 सेकंड में, डिस्टेंस कर दी होगी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 10 × 20 यानी 200 मीटर या आगे चला गया होगा। यहां पे बता रहा हूं ये क्या, यहां कहीं पहुंच गया होगा, या एक काम करते हैं यहां से ये यहां पे पकड़ा गया है, ये पोजीशन है, कितना है 200 मीटर ये आगे, 200 ये था, 200 ये है, 400 पे पकड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में 400 पे पकड़ा है। आइए यहां पे देखिए आंसर सही है नहीं, आप ऐसे भी टैली कर सकते हैं, 20 सेकंड आया है और इसकी स्पीड कितनी थी पुलिस की 20, 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस पुलिस ने कवर करी होगी, 20 जा 400, यानी पुलिस ने यहां से लेके यहां पे पुलिस आ गई, टेंटन यहां पे पकड़ लिया, 20 या 400 आना भी चाहिए, 200 प्लस 200 400 पुलिस ने यहां पकड़ा। अब अपना आंसर लिख लीजिए, यहां से इसका नाम दे दीजिए ए पॉइंट, इसका नाम बी पॉइंट, बी पॉइंट से 200 मीटर बाद पकड़ा, ए पॉइंट से 400 मीटर बाद पकड़ा, समझ में आया, खत्म हो गया आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए, समझ में आया भी है नहीं आया, आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपको क्या सिखा रहा हूं देखिए सुनिए, पहले यहां पे लिख देता हूं यार, आप सब भूल जाएंगे, स्पेस प्रॉब्लम चलिए लिखते हैं, फिर यहां से लिखते हैं, स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बच्चों क्या क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस सुनिए लिख के आ रहा हूं, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसे, थीफ यानी चोर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर 0 मीटर, क्यों, अरे रोक दिया यार, ये टॉपिक के अंदर चल रहा है एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको रोक दो अपनी स्पीड उल्टी डायरेक्शन में, जब इसे रोक दिया यहां पे कहां गया, रुका हुआ दिखाया तो है, यानी 0 मीटर चलेगा, रुका हुआ है तो 0 मीटर आपके अकॉर्डिंग रुका है, इस फ्रेम से रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर अर्लियर मतलब पहले वाले ओरिजिनल केस में, चोर अर्लियर कितना 20 सेकंड में, चोर ने कितना चला होगा 20 × 10 200 मीटर, इतना समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन से, क्या चोर फ्रेम चेंज करने में कभी 0 आंसर आ रहा है, फ्रेम चेंज जैसे ही करा, एक्चुअल में 200 मीटर था, फ्रेम चेंज करा 0, यानी यही तो सिखा रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल चेंज हो जाती है फ्रेम चेंज करने पे, यानी डिपेंड करता है केवल इंडिपेंडेंट, ये दो ये पॉइंट जस्टिफाई किया मैंने, समझ में भी आया या नहीं आया, नहीं आया, अरे यार क्या करा जाए। चलिए अगला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस कितनी, पुलिस ने डिस्टेंस याले केस में पुलिस ने कितनी करी है, पुलिस की स्पीड कितनी है 10 × 20 200 मीटर पुलिस ने इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस अर्लियर मतलब अर्लियर केस में, पहले वाले केस में कितनी थी 20 × 20 400 मीटर, यानी फ्रेम चेंज करते ही देखिए दो आंसर डिस्टेंस अलग अलग आ रही है, अगेन इस पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया है मैंने, बोल रहा था एग्जांपल मैं आपको फील करा दूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के बच्चों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, एग्जाम आपको पास करना है, सिलेक्शन आपको चाहिए, समझ में आया कि नहीं। और क्या सिखाया जाता है इस क्वेश्चन से एक चीज और फील करवाते हैं ये आपको, क्या पहले नोट कीजिए यार, ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए फिर समझा पाऊं, आइए समझिए बच्चों क्या फील कराना चाह रहा हूं, अगर हमें ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं आता, यानी एक को रोक के उसकी स्पीड उल्टी डायरेक्शन में, यानी ये जो रिलेटिव मोशन जो ये रेफरेंस फ्रेम वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नहीं आता तब आप कैसे सॉल्व करते बच्चों, फिर से एक बात बता दूं, क्या
कि रेफरेंस फ्रेम और रिलेटिव मोशन आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तब भी आप सारी की सारी प्रॉब्लम कर पाएंगे, लेकिन टाइम आपका लंबा चौड़ा कंज्यूम होगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आपकी प्रॉब्लम को, ये टॉपिक आपकी प्रॉब्लम को आसान बनाता है, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आसान बनाता है, इसलिए हम इसे सीखते हैं। अभी यही चीज आप फेल भी करेंगे, बात समझ में आ रही है? अगर आप ना भी पढ़ाएं इसे तब भी प्रॉब्लम कर पाएंगे, तब भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आप डील कर पाएंगे, बट ये प्रॉब्लम्स आसान करता है, इसलिए सीखना जरूरी होता है। आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, आइए छोड़िए इतना ज्यादा कहां आप कहेंगे। यहां देखिए, ये प्रॉब्लम अगर आपको ये नहीं आता तब आप कैसे करते, सुनिए। आप कहते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये सब मैं नहीं जानता था, तो इसको रब कर दीजिए। रिलेटिव आप कुछ नहीं जानते तो आप कैसे कहते, पक्का चोर कुने, पक्का पुलिस ने चोर को यहां कहीं पकड़ा होगा। मान लेते हैं एग्जिस्टेंस में पकड़ा, मान लेते हैं एग्जिस्टेंस में पकड़ा, तो आप कहते हैं तो 200 प्लस एक्स, पुलिस कितना भागी 200 प्लस एक्स, चोर कितना भागा एक्स। आप कहते हैं टाइम तो सेम होगा, चोर ने भी दौड़ लगाई, पुलिस ने भी दौड़ लगाई, सेम टाइम पे टाइम बढ़ रहा पकड़ लिया, बात समझ में आ रही है? टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, यानी आपने दिमाग से लगा लिया टाइम सेम होगा, वही तो लिखाया था लास्ट वाला पॉइंट, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम सेम रहेगा। तो आप कैसे करते इसको, आप कहते टाइम सेम होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पुलिस के लिए डिस्टेंस 200 प्लस एक्स अपॉन स्पीड 20, तब भी आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या है इसके लिए टाइम, चोर के लिए एक्स डिस्टेंस मूव किया चोर, एक्स स्पीड 10। एक्स के लिए सॉल्व करते, पहले x आपका आता, सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 200 मीटर आता है, उसके बाद जाके x यहां पे डालते x की वैल्यू 200 बाई 10, तब जाके आपका टाइम आता 20 सेकेंड। इतना लंबा चौड़ा करके आपका 20 सेकेंड आता, यहां पे तो डायरेक्ट देखा हमने अपनी स्पीड ठीक उल्टी दी 10 मीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10 है, डिस्टेंस 200 है, एक लाइन में आंसर आया था। यहां पहले x के लिए सॉल्व करना पड़ा, फिर जाके t निकला, बात समझ में आ रही है? यहां पे तो चलिए उतना खास अंतर नहीं है, लेकिन अभी काफी प्रॉब्लम्स ऐसी देखेंगे जहां पे इससे आपकी प्रॉब्लम मच इजियर हो जाती है रिलेटिव कॉन्सेप्ट से। इसलिए 10 रिलेटिव कॉन्सेप्ट मेक्स प्रॉब्लम इजी, लिख देता हूं, 10 रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स मेक्स प्रॉब्लम इजी, मेक्स प्रॉब्लम इजी। टेंटन, समझ में आया? एग्जाम्पल 32 आपके बोर्ड में है, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है, देखिए, ये आपके पास पुलिस है, ये आपके पास पुलिस की गाड़ी है, इसमें पुलिस है, लेट अस सपोज पुलिस की वेलोसिटी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन है आपका कितना मान है, चलिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पुलिस है इसमें P, इसमें है आपका थीव चोर, ये दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी में क्या आपका चोर, बड़ी गाड़ी चुरा के ले जा रहा है, चोर C, टन। मान लेते हैं इसने अभी जस्ट स्टार्ट करी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी एक्सेलरेट करेगा, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं दी है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अब एक्सेलरेशन के कारण डेफिनेटली वेलोसिटी इस कार की बढ़ेगी। दोनों कार के बीच में डिस्टेंस आप लोगों को दी हुई है बच्चों, दोनों कार के बीच में डिस्टेंस आपको दी हुई है, मान लीजिए कितनी, कुछ भी मान लीजिए 100 मीटर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट विल पुलिस बी एबल टू कैच द थीफ, पुलिस क्या चोर को पकड़ पाएगी, यदि हाँ देन एट व्हाट टाइम, कितनी देर में पकड़ पाएगी, यदि ना तो उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, इफ नो देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, किसके बीच में, बिटवीन देम, मतलब बिटवीन द चोर एंड थीफ की कार। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, आइए समझिए, अगेन दो मेथड, रिलेटिव मेथड और वो जनरल मेथड। रिलेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं,
तो रिलेटिव मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए लिखते हैं एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू, एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर यानी थीफ, टी एच आई ई एफ। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कहीं पहले गलत ना लिखा दिया हो, टी एच आई ई एफ। प्रीवियस एग्जाम्पल भी चेक कर लीजिएगा, एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। जैसे ही एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ लिखा, यानी मैं मान चुका हूं वेलोसिटी ऑफ चोर सी इक्वल टू, मैंने मान ली जीरो, यानी मैंने चोर को रोक दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझ में आई नहीं आई? एंड डेफिनेटली उसको रोक दिया तो उसका एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन ऑफ चोर भी मैं मान चुका हूं जीरो। ये दोनों टर्म में जैसे ही मैंने रोक दिया, इसका मतलब यही हुआ, यानी जैसे ही इसको रोका तो ये अपना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। तो दे दूं, दो मीटर इधर है तो ये दो मीटर इस डायरेक्शन में दे देगा, दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी अपोजिट जीरो ही है तो क्या अपोजिट। आइए अब नया फिगर कैसा बनेगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग बच्चों नया फिगर ये बन रहा है, ये वाली पुलिस की कार, छोटी सी कार, सरकारी कार, और वो बड़ी सी कौन सी, बीएमडब्ल्यू। क्या है, पुलिस की गाड़ी है। एक्सेलरेशन दो इधर एक इधर, यानी नेट में वन इधर, नेट में वन इधर, नेट में एक्सेलरेशन है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वेलोसिटी इधर को है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया, डेफिनेटली डिस्टेंस 100 थी। आइए सॉल्व कीजिए फिर। अब एक बात बताइए, देखो जब सिचुएशन ऐसी होती है, भाव स्पीड इधर, बाइक की स्पीड या कार की या जिसकी भी स्पीड, बाइक की स्पीड या कार की स्पीड, जिसकी भी स्पीड, इधर को भगा रहे हो आप और लेकिन एक्सेलरेट इधर को कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप धीरे धीरे, एक्सेलरेशन फाइनल एक्सेलरेशन इधर को है, और मैं ये सब पढ़ा चुका हूं फाइनल मोशन का डायरेक्शन कैसा होता है, मोशन का पाथ कैसा होता है, शुरू में ये फाइनली एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना चाहेगा, यानी गाड़ी यू टर्न लेके वापिस आ जाएगी। ये सब बातें हो गई है ना डिटेल में, प्रीवियस लेक्चर देख लेना। इसको देख के बच्चों समझ में आ रहा है कि पक्का यू टर्न लेगा, तो इसको देखते हुए इम्प्लाइज यू टर्न पक्का हो रहा है। ये सिचुएशन देखते हुए वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, यू टर्न हुआ है तो मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगी। लगा देते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन माइनस वन इंटू एस। क्या आया, ऐसी क्वेश्चन माइनस से माइनस, ये आ गया 450 मीटर। क्या आया है, ये वो पोजीशन आई है जहां पे वेलोसिटी जीरो यानी यू टर्न हुआ है, यानी ये गाड़ी अगर ये सिचुएशन देखें, ये आगे गई फिर पलट के वापिस आई। 100 मीटर से काफी ज्यादा है 450, यानी 100 पे यू टर्न, यहीं पे यू टर्न नहीं मेरा मार लिया इसने, 100 से अंदर यू टर्न नहीं मारा, 100 पे भी नहीं मारा, 450 यानी आगे गई 450 से यू टर्न मारा। अगर मैं आपको दिखाऊं सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये 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 यहां कहीं यू टर्न मारा ऐसे करके, बात समझ में आ रही है, और इस प्रकार ये क्या हुआ आप समझिए, यानी ये जब गाड़ी गई होगी आगे, ये दो जगह पे चोर को पकड़ सकती है, एक जब गई यहीं पे पकड़ लिया, ले भैया चोर बगल में है, उसके बाद कुछ देर बाद पकड़ा, यानी दो टाइम आएंगे T1 T2, ये कम टाइम आएगा, यानी लेट अस सपोज मान लेते हैं कुछ भी मान लो 3.5 सेकंड, और एक टाइम बाद वाला टाइम मान लो कुछ ज्यादा आएगा 60 सेकंड कुछ बाद में, समझ में आ रहा है, यानी दो टाइम पे ये इसको चोर को पकड़ सकती है। अब पकड़ना नहीं पकड़ना, पहली बार जब मैं यहां से गया मेरा मन नहीं था नहीं पकड़ा, पुलिस का मन था नहीं था नहीं पकड़ा, पुलिस ने कहा भैया सिचुएशन ऐसी है कि पक्का दोबारा टकराएगा पकड़ूंगी, दूसरे टाइम पे पकड़ लिया, या जब भी पकड़ना है, यानी इतनी बात समझ में आ रही है कि दो बार क्या चोर पकड़ सकते हैं चोर को, यानी दो टाइम निकल के आएंगे T1 और T2। ये बात ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये यहां पे तक क्या है 450, ये क्या है 450, जहां से यू टर्न ले रहा है वो है 450 मीटर। ये है 100, ये है 450, ये है 100, ये है 450, यानी 100 डिस्प्लेसमेंट। क्या है 100 डिस्प्लेसमेंट, चोर कहां पे पकड़ा जा रहा है 100 मीटर पे, यानी यहां पे, यहां पे। समझिए एक चीज सिखाता हूं आपको, देखिए टाइम निकाल लें जहां पे चोर पकड़ा जाएगा। एस इक्वल्स टू, इसको देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी से भी तो आप समझ सकते हैं, देखिए जरा, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया,
यू वेलोसिटी से टी ऊपर गया, लौट के आया। अब मैंने लेटर सपोज एच डिस्प्लेसमेंट, लेटर सपोज एच है, मतलब 100 मीटर मान लेते हैं, ये वाला केस मान लेते हैं 100 मीटर वाला। अब देखिए, और ये क्या है टोटल 450 मीटर वाला, समझ रहे हो। अब देखिए दो टाइम है, एक टाइम है टी वन ये वाला यहां से यहां तक, दूसरा टाइम ये है डॉट 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 यहां तक, दिस इज टाइम टी टू। देखिए टी वन में भी डिस्प्लेसमेंट 100, जब ये घूम के आएगा फिर डिस्प्लेसमेंट 100, तो दो टाइम निकल रहे हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट 100, टी वन टी टू। बात समझ आ रही है, दो सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल फिगर बनता है और ये कार वाली फिगर हॉरिजॉन्टल बनते हैं, सिचुएशन तो सेम दिख रही ना, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दो टाइम पॉसिबल है, बिल्कुल है, वही बताना चाह रहा हूं। आइए टी वन टी टू निकालते हैं। टी वन टी टू एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 100 इक्व टू यू टी यानी 30 टी यू टी प्लस हाफ, ऐसे लिख देते हैं चलिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस वन क्यू, समझ में आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बच्चों, टी स्क्वायर ये आया टी स्क्वायर माइनस 60 टी 200 प्लस 200 इक्व टू 0। अगर मैं यहां से टाइम निकालूं, चलिए यहां से टाइम अगर मैं निकालूं, क्या निकल के आ रहा है, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं जल्दी से, माइनस बी यानी 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3600, 4 ए सी 4 टू जाए 800 यानी 2800 बाई 2 है यानी 2, 30 प्लस माइनस 7√2, 30 प्लस माइनस 7√2 आपका टाइम ये निकल के आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे टी 1.2 क्या निकल के आ रहा है, 30 इसको एक बार, ये क्या हो गया 7 यानी 2.6 यानी 26 लगभग 2.6.5 मान लेते हैं, रूट 7 क्या होगा 26.5 अप्रोक्स यानी 26, 30 माइनस 26 यानी दो टाइम आ गए, एक आ गया 3.5, एक आ गया 30 40 50 56.5 सेकेंड, दो टाइम आ गए बच्चों। ध्यान से देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव, ये थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कैलकुलेशन की है, वैसे सही आंसर दिखाई दे रहा है, तो दोनों पॉजिटिव, समझ में आ गया कितने टाइम पे। तो क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट हो चुका है, विल पुलिस बी एबल टू कैच द थीव, यस एट व्हाट टाइम, इतने इतने टाइम पे, देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस इफ नो, अरे जब पकड़ ले रही है तो नो का तो सवाल ही नहीं। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे जहां पे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कितनी देर में किस पोजीशन पे निकाल पाएंगे, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, किस पोजीशन पे पकड़ पाएंगे अगर पूछा जाए, पोजीशन समझ रहे हो कि यहां से डेफिनेटली, अब देखिए 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट करिए अपनी कार, पक्का यहां पे तो नहीं पकड़ाया होगा, आगे पकड़ाया होगा, कितना आगे एक्स जानना चाह रहा है, तो टाइम पता है 3.5 सेकंड लगा है, 3.5 सेकंड लगा है, एस इक्व टू यू टी यानी यू इनिशियल 0 है प्लस हाफ ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम पता है 3.5 सेकंड, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आपने निकालना है कितने आगे पकड़ा, सुनिए पहले तो आप सब बच्चों का कंफ्यूजन ये दूर कर देता हूं मैं, क्या काफी बच्चे तो ये सोचने लगे अरे घूम के पुलिस पकड़ेगी, अरे पुलिस घूम के नहीं पकड़ रही है, ये सिचुएशन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ऐसा बन रहा है केस। रियल में देखो एक गाड़ी है मेरे पास पुलिस की जो 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में, और ऊपर से उस गाड़ी को इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, पक्का ये गाड़ी कभी भी पलटेगी नहीं। अरे यार आगे कोई स्पीड है, आगे कोई एक्सेलरेट कर रहे तो ये गाड़ी तो पलटेगी नहीं, ये तो आगे 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 जाते रहेगी। सिमिलरली इसको भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे, ये भी आगे आगे जाते रहेगी, ये भी आगे आगे जाते रहेगी, तो पलटने वाला तो केस ही नहीं है। पलटने वाला केस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिचुएशन क्वेश्चन चेंज कर दिया, हम इस तरफ क्यों मुड़े, क्योंकि हमारे आंसर तो तब भी सेम आते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, हमने फ्रेम चेंज कर दिया इसलिए ये पलटने वाला बन रहा है। बात समझ में आ रही है, रियल में रियल सिचुएशन में पलट नहीं रहा, लेकिन आंसर दोनों केस के सेम आएंगे, टाइम तो इतना ही आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। बात समझ में आ रही है, रियल सिचुएशन अगर आप जानना चाहेंगे तो इसके बाद समझा देता हूं रियल सिचुएशन कैसी होगी। ये गाड़ी आगे गई यहां तक, ये गई यहां तक, यहां कहीं पकड़ा है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक और सिचुएशन आगे, यहां तक तो पकड़ा है, फिर ये गाड़ी और आगे जाएगी, ये भी आगे ही आ रही है, दो सिचुएशन ऐसी होंगी जब आपस में मिल जाएंगी ये, तो वो दो टाइम इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर एक ही बार पकड़ पाती तो एक टाइम नेगेटिव आता जिसको आप इग्नोर कर देते। बात समझ में आ रही है,
तो दिमाग से हटा लीजिए, अरे पुलिस की गाड़ी पलटेगी, बिल्कुल नहीं पलटेगी रियल में, समझ में आ रही है? रियल वाला देखना चाहते हैं, दूसरी अप्रोच देखना चाहते हैं, नोट कीजिए फिर बता दूं। आइए बच्चों देखिए, आपको सेकंड मेथड से समझाते हैं, मतलब रियल में हो कैसा रहा वो समझाते हैं। ये यू टर्न वाला तो कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा, इसको रब करो। आइए समझाते हैं रियल में कैसा होगा केस। देखिए बच्चों, ये क्या था, 30 था आई थिंक, 30 मीटर पर सेकंड। आइए बच्चों, ऐसा है, ये कार ये है पुलिस की, ये है आपका चोर, ये आपका पकड़ा गए हैं, ये दोनों मिले कहाँ पे हैं, यहाँ पे पकड़े गए हैं, यहाँ पे पुलिस और चोर दोनों, बीच में डिस्टेंस थी इनकी 100, बीच में डिस्टेंस थी इनकी 100, मैंने माना कि ये एक्स मीटर आगे चल के पकड़ा जाएगा चोर, एक्स मीटर आगे चल के पकड़ा जाएगा चोर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देख बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 100 प्लस इसने कितनी चली, चोर ने कितनी चली, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस चोर ने कितनी चली, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है इसके लिए, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ एक्सेलरेशन है ए, टाइम है मुझे नहीं पता टी स्क्वायर। इसके लिए चोर के लिए लिखूं तो मैं, सॉरी इस पुलिस के लिए लिखूं तो, पुलिस ने कितना चला, पुलिस चली इनिशियल वेलोसिटी 30, यू टी एक्सेलरेशन इसका ये है, ये तो वाला रिलेटिव मेथड है, यू टी यानी हाफ एक्सेलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, हाफ टू है यहाँ पे और यहाँ वन है, थोड़ा सा पीछे पलटिए, अभी जो हमारा आंसर इक्वेशन आई थी वो भी तो यही आई थी, क्या आई थी याद कीजिए, मैं बताता हूँ क्या आई थी, वो इक्वेशन आई थी आपका टी स्क्वायर माइनस 60 टी प्लस 200 इक्वल टू जीरो, ये भी तो वही इक्वेशन आई है। ये सेकंड मेथड चल रही है बच्चों, सेकंड मेथड, बात समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये मुझे मान लेते हैं एक्स में पकड़ लेगा, तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो देखिए पुलिस ने कितना चला, एस पुलिस वाली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पुलिस के पास इनिशियल स्पीड यू थी, एक्सेलरेशन ए था, तो पुलिस ने इतनी डिस्टेंस टोटल कवर करी, चोर ने तो सिर्फ इतनी करी, चोर ने इतनी करी, लेकिन चोर के में अगर 100 करें तो पुलिस के बराबर ही आना चाहिए, तो चोर ने कितनी करी, हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितनी करी चोर ने, हाफ ए टी स्क्वायर, तो चोर वाली डिस्टेंस प्लस 100 करेंगे तो टोटल के बराबर आएगा, इसी टोटल से मैंने इक्वेट करा और ये इक्वेशन वही निकल के आ रही जो थोड़ा देर पहले निकल के आई थी, और टी वन टी और 56.5 सेकेंड आई थिंक, तो दो टाइम, अब दो टाइम एक्सक्यूज, तो दो टाइम आ रहे हैं बच्चों, दो टाइम का मतलब क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दो टाइम आ रहे हैं, यानी इसको दो जगह पकड़ा जा सकता था इस टाइम के अकॉर्डिंग, यानी एक यहां पे पकड़ा गया है, अगर यहां पे नहीं पकड़ा तो भैया फिर पुलिस आगे बढ़ रही है, दोनों की कार आगे बढ़ रही है, ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ये पकड़े जाएंगे, बात समझ में आ रही है, समझ में आया, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस हो जा रही है क्या, पीएचडी हो जा रही है बच्चों, मेरा काम है आपको डेप्थ तक समझाना, पीएचडी करवाना मेरा रियल में काम है समझाना, अगर आपको नहीं समझना है तो आप लेक्चर छोड़ जा सकते हैं, लेकिन मैं तो समझाऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं सर डेप्थ में ही हमेशा समझाना, छोड़ मत देना डेप्थ में समझाना, बात समझ में आ रही है, भले कितना ही टाइम लग जाए, क्लियर है, और एग्जाम्पल करना चाहेंगे, चले पहले नोट कीजिए आंसर, देखिए दोनों मेथड से सेम आ रहा, मैं फील करा रहा था, क्लियर है, चले नोट कीजिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं एग्जाम्पल 33 की तरफ, बच्चों आपने एक चीज ध्यान दी होगी, सबसे पहले जो हमने ये एग्जाम्पल 32 चल रहा है, इससे पहले वाला एग्जाम्पल में हमने केवल वेलोसिटी दी थी, अगले एग्जाम्पल में मैंने इसका एक्सेलरेशन दिया, इसका नहीं, यानी मैं डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूं, अब जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें दोनों की दोनों वेलोसिटी एक्सेलरेशन और इसका भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यानी दोनों जगह एक्सेलरेशन डाल देंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं और मिनिमम क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आपकी कोशिश की जा रही है। तो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 33 क्या है आपके सामने है, एग्जाम्पल
3. विल पुलिस बी एबल, पुलिस को छोड़िए, गर्ल लाते हैं, गर्ल. विल गर्ल बी एबल टू कैच दी, कैच डीबी सर. डीबी सर को क्या ये लड़की कैच कर पाएगी? इफ यस देन एट व्हाट टाइम, इफ नो देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम. समझना आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कर देता हूं. चलिए ये डेटा को सेम रहने दीजिए, ये डेटा को सेम रहने दो, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं. यहां दो की जगह कर दो 3, एंड वेलोसिटी दे दो कितनी दे दें, चलिए 2 की जगह कर दो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी दे दो 20 मीटर पर सेकंड. चलिए यार और ज्यादा एक्सलरेट करवाते हैं. आपके डीबी सर तो भाग चुके हैं, क्या है ये डीबी, 5 मीटर पर सेकंड एक्सलरेट कर दिया अपने आपको. ये कौन है, गर्ल. ठीक है, ये गर्ल पकड़ना चाह रही है डीबी सर को, बहुत अच्छी बात है, पकड़ना भी चाहिए. क्या पकड़ पाएगी, लेट्स सी. कितने लोग कह रहे हैं पकड़ लेगी, कितने लोग कह रहे हैं पकड़ लेगी. ये डिस्टेंस थोड़ा सा क्वेश्चन और मॉडिफिकेशन कर लो, इसको कर लो 400, इसको कर लो 400. चलिए आइए देखते हैं पकड़ पा रही है नहीं पकड़ पा रही है. मान लेते हैं, क्यों माने, नहीं मानेंगे. रिलेटिव मेथड अपनाते हैं. रिलेटिव मेथड क्या कहती है, विद रिस्पेक्ट टू डीवी सर करते हैं. चलिए एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू डीवी सर, एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू डीबी. आइए, यानी जैसे मैंने ये लिखा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ डीबी सर इक्वल्स टू 0 मान ली, यानी मैंने अपने को रोक दिया. जैसे अपने को रोका, यानी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 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 मेरा मतलब हो गया एक्सेलरेशन, मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर दे दिया, वेलोसिटी भी इधर को दे दी, कितनी 20 थी तो अपोजिट डायरेक्शन में दे दी, 20 मीटर पर सेकंड दे दी. क्या सिचुएशन बनी, इसके अकॉर्डिंग नया केस बन गया, डीबी सर की गाड़ी बड़ी है, गर्ल की छोटी गाड़ी, ओ माय गॉड, कौन सी है, BMW. चलिए एनीवेज, डीबी सर को रोक दिया है, यानी फिगर किसका बन रहा है, गर्ल का बन रहा है. तो गर्ल की एक्सेलरेशन 5-1, 4 इधर को है, गर्ल का 4 एक्सेलरेशन इधर को है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी 20 इधर, 30 इधर, यानी 10 इधर, नेट में 10 इधर, 10 मीटर पर सेकंड. कैसा सिचुएशन, भगाना चाह रहे हैं कार को आगे को, भगाना चाह रहे हैं कार को आगे को, लेकिन एक्सेलरेट इधर को करवा रहे हैं, यानी आगे जाएगी जाएगी, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन कैसा होगा, फाइनल पाथ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, यानी ऐसे, यानी यूटर्न वाला केस. अब दो सिचुएशन आती है, अगर ये यूटर्न 400 के अंदर ही टर्न ले लिया तो उसको नहीं पकड़ पाएगी ये लड़की, अगर ये यूटर्न आगे जाके लिया तो डीबी सर को पकड़ लेगी. बात समझ आ रही है, चलिए देखते हैं कहां पे यूटर्न तो हो रहा है, पक्का दिखाई दे रहा है. आइए यूटर्न हो रहा है तो आइए करवाते हैं यूटर्न. इंप्लाइज यूटर्न समझ में आता है, पलटी. यूटर्न हो रहा है यानी वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 करिए. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन a डिस्प्लेसमेंट s. ये s कौन सा है जहां पे यूटर्न हो रहा है, 100/4 to the 8. यार नंबर थोड़ा सा वो आ गया है, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं. ये क्या माइनस से माइनस कटा, एस क्या आया 100/8. 100/8 मतलब कितना होता है, सॉल्व करें तो ये आ गया 50/4. 50/4 यानी 12.5, वही आ रहा है ना, 8 × 8 = 19, 8 × 2 = 16, 8×5 = 40, 12.5 मीटर. क्या है ये वो डिस्टेंस है जहां से यूटर्न, जहां से यूटर्न, ये है 12.5, यानी सिर्फ 12.5. ओ माई गॉड, इसका मतलब पहले ही यूटर्न ले लिया जा रहा है, पहले ही यूटर्न ले लिया जा रहा है. यानी ये सिचुएशन कैसी बन रही, यूटर्न यहीं पे हो जा रहा है, यहीं से यूटर्न हो जा रहा है 400 मीटर से पहले ही, 12.5 पे ही हो जा रहा है, बड़ी जल्दी यूटर्न. तो डीबी सर को कहां पकड़ पाएगी ये सुंदर कन्या, ये लड़की
नहीं पकड़ पाएगी। वैसे भी चार मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी है डीबी सर के, और डीबी सर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो बेकार कोशिश कर रही है कन्या। चलिए एनीवे जोक्स अपार्ट आगे कर बढ़ते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया, नहीं पकड़ पा रही। अब नहीं पकड़ पा रही तो मिनिमम डिस्टेंस, अब ये तो सिचुएशन रिलेटिव हमने बनाई, ऐसा केस हमने बनाया ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाए। रियल में कैसा हो रहा है, ये वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन, ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे, कभी पलटी नहीं खा रहे हैं, ये भी आगे जाते रहेगा, ये भी आगे जाते रहेगा, पलटी नहीं खा रहे हैं बच्चों रियल में, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या है, हमने निकालना क्या था, हमें निकालना था मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या हो रहा है, ये गाड़ी ने ये आपका डीबी सर आगे बढ़ते रहे, गर्ल आई 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 आई, गर्ल काफी क्लोज डिस्टेंस हो गई थी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा है, वही डीबी सर भाग गए। उसके बाद सुंदर कन्या को लग रहा है अरे गैप धीरे धीरे उनके बीच में बढ़ता ही जा रहा है, यानी बीच में ऐसी सिचुएशन आई थी जब मिनिमम डिस्टेंस रही थी, यानी आपको अब वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। अब क्योंकि आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम, फ्रेम से डिस्टेंस बिटवीन द दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट, या समझ गए, फर्क नहीं पड़ता है फ्रेम चेंज करने में, यानी उनके बीच में फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ये क्या ऐसा केस बनाया जिसमें एक कार के कंडीशन ये है, दूसरे कार जीरो, अब इन दोनों का रिलेटिव सॉल्व किया, ये दो पार्टिकल के बीच में एस इतना आया है, दो पार्टिकल के बीच में, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो फाइनल अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस इतना आया, ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ये टर्न ले लिया इसने यहां से, टोटल है 400, 400 माइनस ये है 12.5, अरे इसी को तो दे दिया था सब कुछ ट्रांसफर, ये एस क्या है 12.5 जो केवल ये चल रहा है, टोटल है 400, 400 माइनस 12.5 ये मिनिमम डिस्टेंस आ गई। ऐसा सुनिए पहले आंसर देखिए फिर समझाता हूं, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 400 माइनस 12.5 कितना होता है 300, 387.5, चेक कर लीजिए 88, ठीक है, ठीक है, सही है, इतना मीटर मिनिमम डिस्टेंस, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्यों कर पाया, क्योंकि यहां पे रेड से लिख देते हैं, क्योंकि मिनिमम मिनिमम, चूंकि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज, चूंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम आप चेंज भी कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, केवल डिस्टेंस नहीं कह रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, उनके बीच का जो गैप है, गैप हमेशा फ्रेम चेंज कर दें तो सेम ही रहता है। ये हमने फैक्टर्स जब पढ़े थे उस समय मैं बोल रहा था ये दोनों, इन दोनों की हेल्प से आपके न्यूमेरिकल काफी आसान हो जाएंगे। अब अगर वैसे करिए नॉर्मल एनालिटिकल दिमाग लगाइए कितना लंबा, दो पेज में आपका आंसर जाएगा, समझ में आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल पाए, बात समझ में आई पक्का। चलिए नोट करिए, फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में डेफिनेटली भेज सकते हैं। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस।